तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो अभी यार सुबह के 11 बज रहे हैं एंड अभी यार मैं ब्रश कर लिया हूँ। अभी चलते हैं यार खाना खाने के लिए। सामने मामू के रूम पे खाना बना हुआ है। अभी माँ पापा और काजल तीनों गए हुए हैं। मैं और गोलू अभी जाएंगे खाना खाने के लिए एंड खाना खाकर यार फिर आएंगे, नहाएंगे फटाफट से। एंड आज यार क्या पापा को काम नहीं है, डेली यार ऐसे मतलब लोन के चक्कर में, पैसे के एंड शोरूम के कारोबार के चक्कर में पड़े हुए थे, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज यार फ्री है तो आज चलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि मुझे यार पटना इतना बड़ा सिटी है ना कि लिटरली मुझे एक भी जगह यहाँ का पता नहीं है। तो यार पापा रहेंगे तो फिर उनको पता है ना, तो फिर घूम लेंगे। तो आज यार फटाफट से चलते हैं, खाते हैं, नहाते हैं एंड फिर फटाफट से निकलते हैं। आज यार काफी ज्यादा मजा आएगा, तो चलो यार। अभी यहाँ पर काजल खाने में लगी है और पापा बाहर खा लिए। अभी गोलू और मैं आया हूँ, तो अभी यहाँ पर खाना बना हुआ है, अभी निकलेगा। ये रहा हमारा, अभी यहाँ पर अभी खाना निकल गया। चावल है, दाल है और यहाँ पर चोखा है, यही खाना है यहाँ पर। हाँ, अचार भी एक दे दो। तो अभी यार जैसे यहाँ पर खाना कंप्लीट हुआ, इतनी तेज बारिश आ गई कि देखो मैं यहाँ पर बाहर, देखो इतनी तेज बारिश आ गई यार मतलब, और बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर देखो पूरे बादल भरे हुए हैं, पूरा आसमान पूरा व्हाइट व्हाइट बादलों से भरा हुआ है। और ये देखो पीछे इधर गार्डन है यहाँ पर, तो इधर देखो बारिश इतनी तेज हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा गैलरी टाइप एरिया है, इतनी तेज बारिश यार, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन यार अब घूमने कैसे जाएंगे, हमारा प्लान था घूमने जाने का, अब इतनी तेज बारिश आ गई कि क्या ही बोले। तो अभी यार शाम के 5 बज चुके हैं एंड अभी थोड़ी थोड़ी बारिश कम हुई है, तो अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं। बहुत शाम हो चुके हैं यार यहाँ पर, तो चलो अभी चलते हैं घूमने के लिए। और अभी देखो यार पटना में लगभग इतना पानी भर चुका है सड़कों पे, ये देखो रोड पे इतना इतना पानी भर गया, ऐसा लग रहा बाढ़ ही आ जाएगा आज, तो इतनी ज्यादा बारिश हुई यार, मतलब ऐसे मौसम में बारिश। कल धूप निकला था और आज बारिश। तो अभी यार हम लोग आए हैं पटना के गंगा नदी में, ये देखो सामने कितना बड़ा नदी है। तो अभी यार बारिश का मौसम है तो पानी इसमें बहुत भरा हुआ है, देख सकते हो यहाँ यहाँ तक आ गया। हाँ, ये पुल डूब गया था 1 या 2 साल पहले यहाँ पर, जब बाढ़ आई थी तब ये पूरा पुल डूब गया था। अभी बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ यहाँ तक पानी आया हुआ है। तो अभी यार यहाँ पर हम लोगों ने गंगा नदी के तो दर्शन कर लिए, अभी हम लोग गोल घर जा रहे हैं। पटना का एक गोल घर है, काफी ज्यादा ऊंचा है, वहाँ पर सीढ़ी से ऊपर चढ़ना रहता है, तो अभी वहीं पर हम सभी लोग जा रहे हैं। तो अभी यार यहाँ पर गोल घर देखने आए थे, लेकिन यार यहाँ पर गोल घर बंद निकला, ये देखो यही है पूरा गोल टाइप में। तो यहाँ पर अभी जो गेट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, तो अभी यार आने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये देखो ये है कुछ इस तरीके से, सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है, ज्यादा ऊंचा तो नहीं है लेकिन फिर भी है काफी मतलब ऊंचा है। तो अभी यार यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। माँ गई हुई है, माँ पापा गए हैं, हम लोग कभी नहीं गए हैं, बंद है। अब क्या एक ही गेट है मेन गेट, वो भी बंद निकला पोपट अभी। चलो आप वो देखो वहाँ से सीढ़ी है, यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर और वहाँ से डायरेक्ट चढ़ते चढ़ते पूरा उधर से घूमते घूमते यहाँ तक। सभी यार गोल घर तो बंद निकला, तो मैं सोच रहा हूँ यार फोन का जो ट्राइपॉड है वो यहीं पर खरीद लेते, क्योंकि यहीं पर पास में शॉप भी है, फोन एक्सेसरीज मिलते हैं वहाँ पर। तो भी यार वहीं पर चलकर मैं फोन का ट्राइपॉड का जो ऊपर वाला पार्ट टूटा था ना वो खरीद लेता हूँ। फोन शॉप पे नहीं गया तो मैं खरीद नहीं पाया, बाकी अभी यार मार्केट आए हुए ही है, तो अभी चलो चलकर वहीं खरीद लेते हैं। तो ये है यार पटना का कारगिल चौक, यहाँ पर अमर शहीदों का हुआ था, जब कारगिल में यहाँ पर युद्ध हुआ था ना उनका, यहाँ पर वो बना हुआ था। क्या बना था काजल, पापा बताएंगे। जवान शहीद हुआ था ना, हाँ जवान शहीद हुए थे ना, तो उन्हीं के कारण यहाँ पर ये बना हुआ है, शहीद स्मारक बना हुआ है। तो अभी यार हम लोग आए हुए हैं पटना के सबसे बड़े पार्क में, गांधी मैदान पार्क है, ये देख सकते हो बहुत बड़ा है यार ये लिटरली, ये देखो पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर लगभग 10 से 15 गेट भी है इसके अंदर घुसने के लिए, तो यार ये बहुत बड़ा है। और अभी यहाँ पर आइसक्रीम लिया हम लोगों ने, अभी इसी के अंदर घूमेंगे, ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर यार बीच में देखो एक भाषण देने के लिए बनाया गया है, वहाँ पर बीच में ये व्हाइट कलर का, यहाँ पर कोई भी मतलब बड़ा ऑफिसर आता है ना, जैसे मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कोई भी आता है ना, तो यहीं पर आकर भाषण देते हैं। और यहाँ पर पूरा रोड भी बनाया हुआ है जाने के लिए वहां तक। एंड अभी ऊपर देखो शाम के टाइम में कितने सारे कौए ऊपर उड़ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो पता नहीं यार क्यों शाम का टाइम है, इसलिए शायद बहुत सारे मतलब है वही एक जगह
और भी अलग अलग जगहों पे, ये देखो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। यहाँ पर यार झंडा फहराया जाता है, देख सकते हो यहाँ पर ये डंडा भी लगा रखा है, इसी में झंडा फहराया जाता है। और भाषण वहाँ सामने होता है, वहाँ पर जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ना, ये यहाँ पर सब लोग चढ़ के भाषण देते हैं एंड यहाँ पर झंडा फहराया जाता है जब भी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी होती है तो उस टाइम पे। और यहीं पर सामने यार बिस्कुमान भवन है, ये देखो यहाँ पर जो सरकारी ऑफिसर्स रहते हैं उनका यहाँ पर काम करने का पूरा बना हुआ रहता है, यहीं पर ऑफिस है। यहाँ पर ऊपर देखो बिल्कुल तिरंगे के डिजाइन में बना हुआ है, यहाँ पर देखो 3 रंग का बिल्कुल बना हुआ है। और एक और चीज, यहाँ पर देखो महात्मा गांधी की आपको फोटो दिखेगी, फोटो नहीं मूर्ति है ये रहा। और उसके पीछे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अभी जहाँ हम गए थे गोल घर दिख रहा है, यहाँ से गांधी मैदान नेम है यार इस प्लेस का, तो ऑब्वियसली गांधी जी की मूर्ति तो होगी ही, वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति मैंने आपको दिखाया। और ये देखो बहुत बड़ा है, अभी मैं बीचों बीच यहाँ पर खड़ा हूँ, वह है यहाँ से बिल्कुल चारों साइड, ऐसा लग रहा सच में 4-5 किलोमीटर तो इजिली आराम से होगा यहाँ पर चलने में। पैदल चलो ना तो आधा घंटा से ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर पैदल यहाँ पर पूरा घूमने का चाहो तो। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बहुत सारे गेट है, तो अभी हम लोग गेट नंबर 7 से बाहर आए हैं, ये देखो। तो अभी यार ये रहा, यहाँ पर मिल गया हमको, यही था ट्राइपॉड का ऊपर जो टूटा था, 2 ले लिया, एक ये है इस तरीके का, एक एडवांस में ले लिया, मान लो बाद में अगर एक टूट गया तो एक हमारे पास ऑलरेडी रहेगा। हाँ ऐसे 2-3 दिन फिर वेट करो उसके बाद एक टूटने के बाद, तो इसलिए एक ही है और एक ये 2 ले लिया हम लोगों ने, तो ये लेकर चलते हैं यहीं पर शॉप पर, मिल गया। अभी यार यहाँ रोड पर हम लोग चल रहे थे तो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर भाई मिला, ये बोलता है मैं ये दोनों चैनल देखता है, गेमिंग ब्लॉग बोल रहा था, ये मुझसे मिलने के लिए भी सोच रहा था, ब्लॉग देखते हैं अभी मैं पटना में ये देखा होगा अभी आपका भाई अभी रोड पर हम लोग चल ही रहे थे, सूट लेने जा रहे थे गोलू का, और यहीं पर रोड पर ये दिख गया सब्सक्राइबर। अभी हम लोग बाटा के शोरूम पे पहुंच चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं, गोलू को सूट लेना है तो अभी अंदर चलते हैं। उस दिन मैं तो यार परचेस कर लिया था, गोलू परचेस नहीं कर पाया था। अभी गोलू यहाँ पर शूज सेलेक्ट करने में लगा है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा शूज इसको पसंद आता है। यहाँ पर बहुत सारे हैं ये देखने में लगा है, अभी अलग अलग डिजाइन के है पूरे, इस तरीके में चाहिए इसको। अभी वहाँ पर गए हुए थे बाटा के शोरूम पे, इसको शूज पसंद नहीं आया तो अभी यहाँ बिग बाजार आए हुए है, देख सकते हो। अभी यहाँ पर अंदर चल कर देखते है, यहाँ पर पसंद आता है जा वही खरीद ले जॉकी। अभी यार यहाँ पर सॉक्स मैंने लिया है एंड एक ये रुमाल हैंकी लिया है, 2 चीज लिया है मैंने, बाकी और भी चीजें देखने में लगे यहाँ पर कपड़े वाले में। शूज तो इसका यहाँ पर मिला नहीं बिकॉज यहाँ पर शूज का वो है ही नहीं शोरूम, तो अभी यहीं पर कपड़े देख रहे हैं। अभी मुझे सॉक्स मैंने और ये लिया है, तो अभी और जो भी देखते हैं कुछ अगर लेना होगा तो। यहाँ पर बहुत बड़ा है यार यहाँ पर भी ये मॉल। अभी गोलू यहीं पर ड्रेस पहनने में लग गया, अभी उधर चेंज करने के लिए रूम रहता है, ट्रेन में बैठ कर जाएगा, कैसा लग रहा है बहुत बड़ा हो रहा है। अभी काजल भी यहाँ पर परचेस की है, एक ये परचेस किया, 2 परचेस किया यहाँ पर, और मैंने भी एक हाफ पैंट परचेस किया, एक टी शर्ट परचेस किया ये, और बाकी ये 2 तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। मुझे तो यहाँ पर डेनिम नहीं मिला, डेनिम टी शर्ट देख रहा था, मिलता तो मैं वही लेता, ये मिला है चलो अब यही लेते। इसको तो शूज लेना है, शूज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाहर ही चलते, बाहर कहीं शोरूम होगा शूज का तो वहीं पे चलते हैं। चलो अभी यहाँ पर जो भी खरीदना था हम लोगों ने खरीद लिया, अभी बस गोलू का एक बच्चा हुआ है शूज खरीदने के लिए, बाकी तो सब कुछ हम लोगों ने खरीद लिया है। तो अभी चलो चलते हैं, इसका शूज देखते हैं एंड फिर कुछ खा पी कर एंड डायरेक्ट अब घर चलते हैं, रात के 7:30 बज चुके हैं। अभी हम लोग आते हुए यहाँ पर टी शर्ट खरीद लिए, यहाँ पर काफी सारे टी शर्ट बेच रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने, मैं पापा और गोलू तीनों ने 2-2 टी शर्ट परचेस किया है। तो फाइनली यार अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मैं और काजल अभी यहाँ पर सामान रखने के लिए आए हैं, ये रहा सामान जो भी हम लोग लेकर आए हैं एंड अभी चलते हैं सामने मामू के रूम पे, वहीं पे किट्टू कब से 2 या 3 घंटे हो गए लगभग वो वहीं पे है, तो अभी चलते हैं और वहीं से फिर खाना खाने भी चल जाएंगे, रेस्टोरेंट है पास में ही है तो वहीं पर यार खाना खाकर भी फटाफट से आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं पहले तो मामू के पास एंड फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी यार ये रहा यहाँ पर किट्टू, किट्टू रुको रुको रुको, मेरा पैर अभी गंदा है मुझे धोने दो, ये पैर के आसपास घूमने में लगा है, बार बार गिर जा रहा है। तो अभी यार मेरा, गोलू का और पापा का, हम तीनों का तो यहीं पे खाना है, हम तीनों यहीं पर खा लेंगे एंड माँ काजल और मामू का हम लोग लेते चले जाएंगे, वहीं पर पैक करवा के वहीं पर वो लोग खा लेंगे। तो अभी चलो चलते हैं ऊपर यहीं पर खाने के लिए। तो
अभी यार यहाँ पर हम लोगों का खाना हो चुका है। मैं गोलू और पापा खाकर यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर पैक करवा लिया है मामू काजल और माँ के लिए। और ये माजा वाजा वहाँ पर मस्त में आलू पराठा खाया, पापा थाली था वही खाया। तो अभी चलो चलते हैं, दही था, आलू पराठा था, मजा आ गया, पेट भर गया। अभी अब चलते हैं डायरेक्ट, मैं तो जा रहा हूँ सोने, देखता हूँ वीडियो बनाना होगा तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर सुबह बनाऊंगा। एंड अभी यार काफी तेज नींद आ रही, तो चलो मैं तो डायरेक्ट अब सोने ही चले जाऊं। तो अभी यार वहां पर हम लोग खाना देकर आ चुके हैं, मैं किट्टू और गोलू आ गए वहां पर, अभी काजल और माँ खाने में लगे हैं और काजल माँ दोनों खाना खाकर फिर आ जाएंगे, पापा शायद आएंगे या फिर वहीं पे सो जाएंगे। तो अभी यार हम लोग तो मैं फटाफट से यार यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, एडिट देखता हूँ, सुबह करूंगा एंड बनाकर फिर सो ही जाऊंगा। अभी यार 10:30 बज चुके हैं, तो देखते हैं यार फटाफट से कब तक काम खत्म होता है। तो अभी यार सुबह के 10 बज चुके हैं एंड अभी देख सकते हो फाइनली मेरा पूरा काम खत्म हुआ। सुबह उठकर यार मैंने एडिटिंग करा, अपलोड किया। अपलोड में तो पता है यार फोन से काफी ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 25-30 मिनट लगे एक वीडियो को अपलोड होने में, दोनों होने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा। तो अभी फाइनली सब काम हो चुका है, व्लॉग तो 9 बजे डल भी गया, अभी 10 बज रहे हैं। तो इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और भी व्लॉग्स देखने के लिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। ये ऐसा लग रहा है जैसे चूहा खाकर भाग गया इधर से। ऐसा ही रहता है यार ये।